Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास फोर्थ का मैथमेटिक्स. आज हम सब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.7 मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर बाय वन डिजिट नंबर. यानी कि आज हम लोग मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे, यानी कि गुणा पढ़ेंगे, ठीक है. और वो टू डिजिट नंबर का, यानी दो अंकों की संख्या का गुणा और एक अंकों की संख्या से, ठीक है. आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको ये बता दें कि आप लोगों ने पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया था प्लेस, प्लेस वैल्यू, ठीक है. प्लेस क्या होता है, जैसे वंस हो गया और ये टेंस हो गया, ठीक है. इसी का हमें मल्टीप्लीकेशन पढ़ना है दो ही डिजिट का, ठीक है. तो जैसे यहाँ का क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट वन हैज बीन डन, यानी कि पहला दिया गया और बाकी सब करने हैं. तो आइए बी पार्ट जो है उसको लेके हम सॉल्व करते हैं कि कैसे मल्टीप्लीकेशन किया जाता है. बी पार्ट जो दिया गया है वो है 45 इन मल्टीप्लाइड बाय 6, 45 मल्टीप्लाइड बाय 6 है, ओके. कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए ए है वंस, ए है टेंस, है ना टू डिजिट नंबर, ओके. और वन डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, इतना तो आपको याद ही होना होगा. आपको मैंने इस चैप्टर में, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के चैप्टर में सबसे पहले ही कहा था कि आपको टेबल आना बहुत जरूरी है, आपको टेबल आना चाहिए, कम से कम तो 10 तक टेबल आना ही चाहिए, 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक टेबल आपको आना चाहिए. यदि आपको टेबल आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग उसे पढ़िए. देखिए 6 का टेबल 5 में पढ़े या 5 का टेबल 6 में पढ़े, दोनों का मीन्स एक ही होता है, दोनों का वैल्यू एक ही आएगा. तो हम 6 का पढ़ते हैं, 6 5 जा कितना होता है 30, 6 5 जा 30, 30 लिखा जाता है ऐसे, ठीक है. उसका यूनिट प्लेस लिखा जाता है, यूनिट वंस प्लेस कितना है 0, तो 30 का यहाँ 0 लिखेंगे. कैरी कितना है 3 रहने दीजिए. अब 6 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, 6 4 जा 24 में 3 ऐड करेंगे, इस वाले 3 को ऐड करेंगे तो 23 27 और 3 24 और 3 हो गया 27, ओके. ये है आंसर. और इसका सी पार्ट जो है, सी पार्ट में दिया गया है 42 मल्टीप्लाइड बाई 9 का टेबल 2 टाइम, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 9 4 जा 36 और 1 ऐड करेंगे तो हो गया 37, ठीक है. इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, ओके. आइए बुक में देखते हैं, पहला डन था, दूसरा भी बताया मैं, तीसरा भी बताया, चौथा जो है डी पार्ट, 9 9 जा 81 का 1 लिखेंगे, 8 कैरी हो गया, 9 3 जा 27 और 8 ये होता है 35, तो 35 डायरेक्ट लिखेंगे, 35 and 1, 351. इसी तरह से भी है, इन सबको आप लोग कीजिएगा. कहने का मीन्स इसमें जितना भी मल्टीप्लाई दिया गया है सब वंस डिजिट, यानी वन डिजिट से ही मल्टीप्लाई किया गया है, टू डिजिट में वन डिजिट से मल्टीप्लाई किया गया. फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम प्रोसेस है, मल्टीप्लाई करना सब में. फाइंड द प्रोडक्ट क्विक डील, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है. देखिए इसमें 4 5 4 6 4 9 7 4 6 9, आप लोगों को पता होगा कि इसमें केवल वन डिजिट से ही मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है. तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में कमेंट कीजिए, हम उसको आपको बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है. लेकिन मैंने जो बताया है अभी 2-3 उसी नियम को फॉलो कीजिएगा, टेबल नहीं आता तो टेबल को पढ़ लीजिए. और एक सॉल्व कीजिएगा, इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है. आइए इसका जो अगला एक्सरसाइज है उसको देख लेते हैं, इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है.
मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर बाई वन डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। विदाउट रीग्रुपिंग का मीन्स होता है बिना हासिल लिए हुए, ठीक है। ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है, इसमें आपको बहुत छोटे छोटे टेबल पढ़ने हैं, यानी कि टू से लेके फाइव तक टेबल इसमें यूज हुआ है। आपको इतना जानना जरूरी है, यदि हम किसी नंबर में यानी कि हमारे पास टू है, वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो टू अंजर टू आएगा, ठीक है। यदि किसी भी नंबर में वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, ओके। लेकिन यदि किसी नंबर में हम जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर जीरो आता है। याद रखिएगा, जीरो से किसी के साथ भी गुणा किया जाए तो जीरो आता है। यदि किसी संख्या का एक्स के साथ गुणा किया जाए, यानी वन के साथ गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो वही संख्या आती है, ठीक है, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इतना कन्फर्म। आइए, ये विदाउट रीग्रुपिंग है, यानी कि इसमें आपको हासिल वाला नहीं मिलेगा। तो आइए इसको देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे राइट कीजिएगा, ठीक है। 4 2 जा 8, यहाँ 4 है, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ देखते हैं 8 1 जा 8, 1 0 जा कितना होगा, 1 या 0। मैंने अभी बताया कि किसी संख्या में यदि जीरो से गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। तो 1 0 जा 0, 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3। सॉल्व द फॉलोइंग, जैसे इसको मैंने सॉल्व किया उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। यदि आपको जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे राइट करना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ओके। और जैसे मैं बता रहा हूँ कॉपी में नोट करते चलिएगा, और आपको यदि टेबल आता है तो आपके लिए बहुत आसान है, आप तुरंत कर ले जाएंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। उसी तरह से सभी करने हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब जो इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर बाई वन डिजिट नंबर विथ रीग्रुपिंग, यानी कि इसमें आपको कैरी लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको रीग्रुपिंग करना हो, ग्रुपिंग, तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।